हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सो के भी देखिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कितना नंबर लाना होगा स्टेट में, क्योंकि ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में है नहीं, 4 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 150 नंबर में आपका 2 पार्ट इसका होता है। एक तो मेन, तो आपका जो 100 नंबर का आएगा वो आपके मेन सब्जेक्ट से आएगा। जैसे आपका SST है तो 3 सब्जेक्ट से बोला है पूछेंगे हम। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, फिर आपका सिविक्स हुआ। और इधर 50 नंबर का जो होता है कॉमन होता है, और ये सभी को पढ़ना है। तो आप साइंस हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये 50 नंबर का कॉमन होता है। यानी 150 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप देखिएगा, इसके फर्स्ट पेज में ही नोटिफिकेशन के लिखा हुआ था कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग क्या होगा, नहीं होगा, समझ गए। तो देखिए किसको कितना नंबर चाहिए, क्योंकि ये इसी टारगेट से आप पढ़िएगा। 10 नंबर ज़्यादा टारगेट रख रखिएगा, समझे। और मेन जो चैप्टर है उसको ध्यान रखकर पढ़िएगा तो आराम से आ जाएगा। और जो लोग को 50 नंबर का जो पूछता है, जिसमें 30 नंबर का आपका पैडागोजी रहेगा, 20 नंबर का मैथ रीजनिंग रहेगा, तो ये लोग जिसका ये ठीक होगा समझिए, तो उसका रिजल्ट बनने का ज़्यादा संभावना रहता है। अब देखिए, आपको बताते हैं किसको कितना नंबर चाहिए। तो देखिए, सबसे देखते हैं पहले, सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर सामान्य लिखा हुआ है, यानी जनरल में जो लोग होंगे, यानी EWS जनरल दोनों में, EWS के लिए कोई नहीं होता है, सिर्फ आरक्षण 10% मिला हुआ है। तो यहाँ जनरल या EWS में होंगे आपको 75 नंबर लाना होगा, यानी 150 का 50% जो होता है आपका होगा वो 75 नंबर होगा। 150 का आप 50% निकालिएगा तो आपका कितना होगा, वो तो 75 नंबर होगा, समझ गए। तो जो भी लोग जनरल और EWS में आते हैं, महिला लोग का नहीं समझे, पुरुष का बात कर रहे हैं, उन लोग को कितना लाना है, तो उन लोग को 75 नंबर लाना है, समझ गए। जो भी लोग EWS में होंगे या जनरल में होंगे, लड़का होंगे, तो उनको 75 नंबर लाना है, समझ गए। उसके बाद आता है पिछड़ा वर्ग, यानी BC। जो लोग BC 2 बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग, लड़का जो भी होंगे समझे, उनको 45% इसको नंबर में बदलिएगा तो 68.25 आएगा। तो इसमें आपका निगेटिव होता नहीं है कि काट के पर पॉइंट में आएगा, यानी आपको 69 नंबर लाना होगा, समझ गए। यानी कितना नंबर, 69 नंबर लाना होगा BC को, समझ गए। BC को कितना लाना होगा, तो 69 नंबर लाना होगा। उसके बाद अत्यंत पीछे EBC या BC 1, इसी को बोला जाता है EBC, तो इनको चाहिए आपको 42.5% है, यानी ये आपका आएगा 63.75, बदलिएगा तो 64, मतलब अथी में चाहिए तो 64 नंबर आपको चाहिए। जो लोग आपके BC 1 में होंगे, या इनको EBC बोला जाता है, EBC जिसमें भी होंगे EBC में, उनको 64 नंबर लाना है। उसके बाद देखिए, आप अनुसूचित जाति SC ST, दिव्यांग है या महिला है, कोई भी जनरल कोई भी महिला हो, समझ गए, आपको ले आना है 40%, यानी 60 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है, 60 नंबर। यानी कहने का मतलब है, कोई भी महिला है, आप SC में है, ST में है, आप सम्मान में है, BC में है, कोई भी कैटेगरी की महिला है, तो आपको 40% चाहिए, समझ गए। दिव्यांग है, कोई भी पुरुष या महिला, कोई मतलब पुरुष भी दिव्यांग होगा, उनको भी कितना नंबर लाना है, 60 नंबर लाना है। SC ST वाले को भी कितना चाहिए, तो 60 चाहिए। तो ये आपका 3 को जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद आपका दिव्यांग, फिर महिला, इनको 60 नंबर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेना है 42.5%, जो 64 नंबर के करीब में आता है। पिछड़ा वर्ग को 69 नंबर, यानी 45% है तो 69 नंबर। और सम्मान जो होंगे, जो EWS जनरल में आते होंगे लड़का, उनको चाहिए 50%, यानी 75 नंबर। अब उसी अनुसार से आप टारगेट कीजिए कि हमको 50 में, मान लीजिए इधर 35 आपको हम 35 आ जाता है, जिनका भी 50 में इधर 35 आ जाता है, और उधर 100 में उधर आपका मान लीजिए टारगेट रखिए 50 नंबर का, 100 में टारगेट रखिए कितना, 50 नंबर का, तब आपका 85 हो जाएगा, आराम से आपका रिजल्ट हो सकता है, समझ गए, आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा। 75 नंबर ही चाहिए, और कैटेगरी में तो कम है, महिला सबको तो 60 चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, तैयारी मेन इसमें ज़्यादा नंबर उठाइए 50 नंबर वाला में। आप CDP वगैरह CTET में पढ़े ही हैं, उससे रिलेटेड 30 नंबर का रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, उससे आप कवर कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हमको
50 नंबर वाला में ज़्यादा नंबर गेन करना है, और इधर आपका 100 नंबर में 50% की कोशिश कीजिएगा नंबर गेन करने का, समझ गए। ऐसे ही आपका हो जाए, तो बहुत लोग पूछ रहे थे, क्लियर हो गया होगा।